जैन साथियों, मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी देवेश में। आज है 21 दिसंबर 2022। 21 दिसंबर 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे, साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद में कल के क्वेश्चन का रिविज़न करेंगे केवल 2 मिनट में, यानी कि फटाफट रैपिड फायर में। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में नासा का मार्स रोवर प्रेजर्वेंस चट्टान के नमूनों को किस ग्रह की सतह पर रखेगा? देखिए, हाल में प्रेजर्वेंस एक मंगल रोवर है जिसे नासा के मंगल 2020 मिशन के हिस्से के रूप में मंगल ग्रह पर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मंगल ग्रह पर नासा का मार्स रोवर प्रेजर्वेंस चट्टान के नमूने को मंगल ग्रह पर रखेगा। अब नासा नासा की जो फुल फॉर्म है वो जान लेते हैं। नॉर्थ एटलांटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, यानी कि यूएसए कैपिटल, और जिसके जो प्रेसिडेंट हैं वो बिल नेल्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत और किस अन्य देश ने किया 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन? देखिए, भारत और नीदरलैंड ने, नीदरलैंड उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है और इसके नीदरलैंड के साम्राज्य के चारों देशों में सबसे बड़ा है। तो नीदरलैंड और भारत ने 11वें विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल एमस्टरडेम है और नीदरलैंड एक यूरोपीय महाद्वीप में देश है और नीदरलैंड की करेंसी यूरो है और नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना को 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई है, उस पनडुब्बी का नाम क्या है? देखिए, भारतीय नौसेना को जो 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई है, उस पनडुब्बी का नाम वागीर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, वागीर इस पनडुब्बी का नाम है। जो आईएनएस, जो हमारे नेवी प्रमुख है उनका नाम आर हरी कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कितने देशों में लैंडमार्क जैव विविधता संधि को अपनाया है? देखिए, 119 देशों ने, जो कि यूएनओ में 192 कंट्रीज आती हैं, तो 190 देशों ने लैंडमार्क जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी संधि को अपनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 190 से अधिक देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक जैव विविधता संधि को अपनाया है। देखिए, हाल में हम सभी पता है मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में COP15 में यह देश 2030 तक पृथ्वी के 30% हिस्से की रक्षा करने पर सहमत हुए, यानी कि 30% तक, 2030 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लैंडमार्क जैव विविधता संधि को 190 देशों ने अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में सशस्त्र सीमा बल ने किस दिन को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? देखिए, सशस्त्र बल जो स्थापना दिवस मनाया गया SSB, यानी कि इन्हें 20 दिसंबर 2022 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, सशस्त्र सीमा बल भारत का एक सीमा रक्षक बल है जो नेपाल और भूटान के साथ लगी सीमाओं की रक्षा करता है। तो नेपाल और भूटान, अब समझ चुके होंगे, जो उत्तर में और एक पूर्व में भूटान लगता है, उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ में, उन देशों की रक्षा करता है सशस्त्र सीमा बल, यानी कि SSB। तो इसके लिए जो अपना स्थापना दिवस मनाया वह है 20 दिसंबर को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारतीय रेलवे ने कहाँ पर खोली देश की सबसे लंबी एस्केप टनल? देखिए, हाल में भारतीय रेलवे ने कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में, यानी कश्मीर में खोली है देश की सबसे लंबी एस्केप टनल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ये 12.89 किलोमीटर लंबी है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल को भारतीय रेलवे ने 15 दिसंबर 2022 को अंतिम रूप से तैयार किया है। यह ट्रैक 12.89 किलोमीटर लंबा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में द लाइट वी केरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, द लाइट वी केरी पुस्तक हाल में बराक ओबामा की वाइफ यानी कि मिशेल ओबामा के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ओलंपिक आयोजन समिति 2032 का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ओलंपिक आयोजन समिति जो कि 2032 ये कहाँ पर होने, ऑस्ट्रेलिया यानी कि ब्रिस्बेन में होने, और 2024 का, 2020 का तो टोक्यो में होता, टोक्यो जापान, और 2024 पेरिस, और 2028 लॉस एंजल्स, और 2032 ब्रिस्बेन में होने। तो ओलंपिक आयोजन समिति 2032 का जो सीईओ नियुक्त किया है वो सिंडी हुक को किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? देखिए क्लब विश्व कप यानी कि ये फुटबॉल से संबंधित एक कप है जो फीफा द्वारा आयोजित होता है। तो क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी मोरक्को करेगा जो कि अफ्रीकन कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अभी जो जो हुए हैं फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है हाल ही में, तो वो हुआ कतर में, और जो कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता है, और जो क्लब विश्व कप ये फुटबॉल से संबंधित कप है ये हाल ही मोरक्को में होना 2023 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब मोरक्को, मोरक्को की कैपिटल रबात है, और मोरक्को की जो करेंसी है वो दिरहम है, और मोरक्को के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अजीज अखनात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अर्बन 20 सम्मेलन के लोगो, देखिए लोगो ये वाला लोगो है, लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है? देखिए हाल में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो गुजरात राज्य के चीफ मिनिस्टर ने अर्बन 20 सम्मेलन के लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया का अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। देखिए गुजरात राज्य में जो हाल ही में घटनाएं घटी थी उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। रिलायंस ग्रुप ने एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किए हैं यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। अब कल के प्रश्नों का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मतलब कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया जिसकी थीम थी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट इंटू प्राइमरी हेल्थ केयर। हाल में किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता? देखिए फ्रांस ने, अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया अंतर्राष्ट्रीय मिशन सॉट यानी कि सॉट सरफेस वाटर एंड ओशन टेपोग्राफी जो हाल ही में लॉन्च किया वो नासा ने किया है। नासा के बारे में हमने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जीता नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप? देखिए हाल ही में भारत ने लगातार तीसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप जीता नेत्रहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? देखिए लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं जो कि मूल भारतीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किस देश की भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशन कप जीता है? देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी हॉकी टीम भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने INS मोरमुगाव एक P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल नौसेना को कमीशन किया? देखिए राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं इन्होंने INS मोरमुगाव एक P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल नौसेना में कमीशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र आयोजित किया गया? देखिए लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में जो कि गोमती नदी किनारे वहाँ पर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत का स्थान क्या है? देखिए पिछले यानी कि 2010 में जो रैंक थी वो 7 थी, और 2020 की रैंक है जो कि 3 है,
और जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे चीन है और सेकंड पोजीशन में यूएसए, थर्ड पोजीशन में अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। हाल में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हैं तो किस देश ने तम्बाकू कानून पास किया है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिसका आंसर एक है, और वो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।